पूरा भारत अपना पावन पर्व गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, गुजरात के लोगों का सामना हुआ एक भयानक हादसे से। सिर्फ मलबा ही मल, सब कुछ ध्वस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन शीन ट्रैवलिंग हब। और एक नए सफ़र के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम आ चुके हैं स्मृति वन स्मारक देखने, जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित भुज शहर में मौजूद है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं एंट्री गेट से। एंट्री करने के बाद अपने स्मृति वन स्मारक को देखने के लिए, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस स्मृति वन स्मारक को। एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखाई दिया यहाँ पर कैफेटेरिया, और कैफेटेरिया से ये दिखाई दे रहा है हमें रास्ता ऊपर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या बनाया गया है। ये यहाँ पर बनाया गया है बच्चों के लिए प्ले एरिया, और ये है इसके अंदर का व्यू। आप यहाँ पर सेफली बच्चों को अपना छोड़ सकते हैं जब आप यहाँ विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा ये है, यहाँ से जब हमने नीचे की तरफ देखा तो यहाँ का व्यू है। अब चलते हैं हम अपने मेन एंट्री गेट की तरफ। यहाँ से हमने एंट्री कर ली है अभी, और ये जैसे ही हमने एंट्री करी, यहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर ये जो स्मारक है ये बहुत ही अलग टेक्निक से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है अभी मुझे इस टाइम पर। यहाँ पर जो म्यूज़ियम बनाया गया है वो लगभग 7 गैलरीज में डिवाइडेड है, और उनको देखने के लिए यहाँ पर टिकट लेना होता है। तो चलिए रिसेप्शन की तरफ और चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये है हमारा रिसेप्शन, और यहाँ से हम अभी एंट्री कर रहे हैं अपने टिकट लेने के लिए। ये देखिए, ये है रिसेप्शन। ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में पूरी डिटेल दी हुई है टिकट्स की, जो भी यहाँ पर चार्जेस लिया जाता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक बार रिसेप्शन का व्यू देखिए कितना सुंदर है, और यहाँ पर जो इस तरीके की ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाकई इसको यूनिक बनाता है। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए मैं और क्लोज आपको दिखाती हूँ इसको। रिसेप्शन से हमें पता लगा है कि यहाँ पर टिकट लेने के बाद अभी हमारा नंबर वेटिंग में है, तो हमें यहाँ अभी टाइम लगने वाला है। तब तक मैं आपको यहाँ पर चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ और बताती हूँ कुछ स्मृति वन के बारे में। ये देश का पहला स्मारक है जिसे भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की याद में बनाया गया है। इस स्मारक को 26 जनवरी 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए साहस और उनको समर्पित एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि कह सकते हैं। चलिए ऊपर से देखते हैं। ये जगह बहुत सुंदर है, और यहाँ पर जो यूनिकनेस है इसको हमेशा के लिए याद रहे आपके लिए, तो आप यहाँ पर अपनी पिक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं यहाँ पर बनी शॉप में। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सभी गुजरात की कलाकृतियों को या यहाँ के ट्रेडिशन को प्रदर्शित करती हैं। ये देखिए अभी हमारा नंबर वेटिंग में ही चल रहा है, जब तक हमारा नंबर आता है तब तक हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं यहाँ की कलाकृति ट्रेडिशन के बारे में। यहाँ पे देखिए कितनी चीज़ें रखी हैं, चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, पूछते हैं आप उनके बारे में कुछ बताएंगे। पहले हम कपड़े के ऊपर ये बनाते हैं, उससे पैच वर्क करते हैं, उससे हम ऐसे ऐसे करके फोल्डिंग करके सिलाई करते हैं। ओके रबारी आर्ट कहते हैं। ये
ओके, सारा सिलाई वगैरह सब आप खुद करते हैं? सिलाई भी खुद होता है क्या? सिलाई भी खुद करते हैं? हाँ, सिलाई भी हम करते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमने बनाई है, हमारे समाज की सारी लेडी से ये वर्क कर रही है। मतलब गुजरात का ट्रेडिशनल है? हाँ, ये गुजरात की ट्रेडिशनल है। और ये जो प्रोडक्ट है वो बाबी बेन रबारी का है, जो लेडी कौन बनेगा करोड़पति में सबको रोजगारी देती है। हाँ, और हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर है ये। क्या प्राइस क्या होगा इसका? ये 4000 का है, पेच वर्क। ओके, वेरी नाइस। ये है आपला वर्क, दिखाइए। से आपला वर्क कहते हैं। अच्छा, जाकड़ी बाबरिया आपला ऐसे। अच्छा अच्छा, ये भी हम यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, देखिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, से दिखाती हूँ मैं आपको ये सब चीजें। यहाँ पर पूछते हैं इन लोगों से, यहाँ पर ये सब क्या है और ये किस चीज से बना है, ये किस काम आते हैं और ये किस टेक्निक से बनाया गया है। ये लीफ बर्न आर्ट है, ये मिट्टी से बनता है और वॉशेबल है, किसी को गिफ्ट देने में भी यूज होता है। हाँ, ये कच्छ की फेमस है, पहले के घरों में ये आइटम आप यहाँ पे इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारा वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया है और हम आ चुके हैं अभी अपनी फर्स्ट गैलरी की तरफ। कहा जाता है कि इन 7 गैलरियों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि आप इसके अंदर जाने के बाद गुजरात के आए भूकंप के अनुभव को बहुत करीब से देख पाएंगे। तो चलिए एंटर करते हैं इस गैलरी के अंदर, जिस गैलरी का नाम है पुनरुत्थान रीबर्थ। ये जो आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं, ये सभी ये निरंतर ही सक्रिय है, हमेशा मूव करती है। इनके वजह से ही भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत जैसी घटनाएं घटित होती है। इन प्लेट का आपस में व्यवहार कैसा है वो थर्ड जब दो प्लेट एक दूसरे से इस तरह से टकरा कर ऊपर की ओर जाती है तो बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं। जो हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, वो सभी इसी सिचुएशन में बने। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है इस तरह से, तब बड़ी बड़ी खाई बनती है, ज्वालामुखी होती है। और जब दो प्लेट एक दूसरे को इस तरह से समांतर होती है तब भूकंप होता है। भूकंप इन तीनों मोमेंट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा तीव्रता वाले होते हैं। इसके बाद आप पीछे रखे गए फॉसिल्स देखेंगे, जो कि कच्छ के प्रदेश में से मिले हैं और सभी ओरिजिनल कच्छ के समुद्र फॉसिल्स। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा
जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बॉल्टिका और साइबेरिया में साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराई, जिससे पेंशिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंशिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, सदियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। यहाँ के आदि मानव से मानव का सफर देखे थे। आप जैसे ही चलना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही स्क्रीन पर आपके साथ एक पक्षी चलेगी, जिससे आप देखो। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का 5000 साल पुराना ट्रैक्टर दिखाया गया। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं।
बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं। अभी हम एग्जिट होने वाले हैं सेकंड गैलरी से, और ये देखिए बाहर का व्यू। और अभी हम आ चुके हैं थर्ड गैलरी की तरफ, जिसका नाम है पुनर्स्थापना। इसमें क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पर रखी जितनी भी चीज़ें हैं वो उस समय से ही संबंधित हैं और कोई ना कोई कहानी उनसे रिलेटेड है। तो अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीन के बराबर उसको टच करिए और वहाँ पर आप उनकी कहानी सुन पाएंगे। तो इसी के साथ एग्जिट हो गए हम थर्ड गैलरी से और आ चुके हैं फोर्थ गैलरी की तरफ। यहाँ पे इस गैलरी के बारे में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जब पूरा भारत अपना 52वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, गुजरात के लोगों का सामना हुआ एक भयानक हादसे से। 7.7 परिमाण वाले भूकंप ने इस राज्य को तहस नहस कर डाला, भारी तबाही मचाई, बहुत से जीवन बर्बाद किए, करीब 13,000 लोग मारे गए, 1,67,000 घायल हुए। इस हादसे की वास्तविक स्थिति की जानकारी दीजिए, हम जल्द से जल्द इस परिस्थिति से बाहर निकल सकेंगे। श्रीमान, स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लगभग 20,000 इमारतें गिर चुकी हैं, गलियों में मृतकों के शव बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ मलबा ही मलबा है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनसे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
मरना ही मर, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर होकर सो गया। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएगी। यहाँ का हर बॉक्स बयां करता है उस दर्दनाक हादसे से उभर कर आने वाले लोगों की सफलता की कहानी। तो इसके साथ ही हम एग्जिट कर चुके हैं फोर्थ गैलरी से और अभी चलते हैं फिफ्थ गैलरी की तरफ। यहाँ से आपको अगर मैं व्यू दिखाऊं तो नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो चलिए चलते हैं अपनी फिफ्थ गैलरी की तरफ। खत्म होती है हमारी फिफ्थ गैलरी रीथिंग और इसके सामने बना हुआ है ये रेस्टोरेंट। तो आपको यहाँ पर खाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी सिक्स गैलरी की तरफ और ये गैलरी 5D सिमुलेटर है। यहाँ पर हम पूरी करीबी से महसूस कर पाएंगे उन भूकंप के झटकों को जो कि उस समय यहाँ के लोगों ने महसूस किया। सिक्स गैलरी जिसमें हमने भूकंप के झटकों को बहुत करीबी से महसूस किया और उसके बाद हम आ चुके हैं सेवेंथ गैलरी की तरफ। और इस सेवेंथ गैलरी में अब हम देने वाले हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप में अपनी जान गंवा दी थी। तो चलिए आइए उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दें। जैसे 26 जनवरी 2001 को हुआ गुजरात भूकंप, ऐसे महाकाल भूकंप के प्रभाव को सबसे दृढ़ भी सह नहीं कर सकता। इस अराजकता में सिर्फ एक ही चीज टिकी रही और वो थी गुजरात के लोगों की इच्छा शक्ति, जिन्होंने अपने दुखों को मात दी और अपने प्रयत्नों से इस भूमि की पुनर्संरचना होते हुए देखी जो अपरिहार्य थी। हम इस धरती के उन फरिश्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तारों की तरह हमारी सहायता की। आइए कृतज्ञता के इस पवित्र स्थल पर यहाँ सभी अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये था अर्थक्वेक म्यूजियम स्मृति वन विच इज़ अ ट्रिब्यूट टू दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ एंड ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू द रिमार्केबल फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑफ कच्छ। इसके अलावा आप यहाँ पर घूम सकते हैं यहाँ पर बने सनसेट पॉइंट को जिसमें जाते हुए आप देख सकते हैं 50 चेक डैम्स जो कि यहाँ पर रास्ते में बनाए गए हैं। और अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने सनसेट पॉइंट। ये है वो सनसेट पॉइंट। यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा और ये है हमारा सनसेट। यहाँ से जाते जाते हमें हो चुकी है काफ़ी रात। तो
जाते जाते मैं यही कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर इस जगह की विज़िट करिए। साथ ही साथ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर हिट करिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर हमारे लिए बहुत अमूल्य है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेशन आपको मिलता रहे। और जल्द ही एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।